सनातन धर्म में हर एक त्योहार के पीछे कुछ न कुछ कहानियां जुड़ी रहती है। आगामी माह यानी मार्च के महीने में होली का त्योहार आ रहा है। होली में डांडा जलाया जाता है तो उसका धुआं किस दिशा और किस कोण में जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी, राधा कृष्ण मंदिर वजीरपुरा शाजापुर। आज मैं आपके समूह होली के डांडे का जलने के पश्चात उसका क्या प्रभाव होता है देश में, प्रदेश में और नगर में। हम होली का दहन करते हैं। होली का दहन के पश्चात जैसे चार दिशाएं और चार कोण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नेत्र कोण और वायु कोण। तो होली दहन के समय जो धुआं निकलता है और धुएं के साथ में जब होली का दहन का जो वृक्ष हम लगाते हैं वो उसकी डगाल जल के गिरती है, तो वो कौन सी दिशा में गिरती है और उसका क्या प्रभाव संसार के ऊपर, देश के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर और मनुष्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूँ। जब होली का दहन के समय होली जलने के पश्चात अगर होली का डांडा पूर्व दिशा में गिरता है और पूर्व दिशा में वायु वहन होता है, अर्थात उसका धुआं भी उसी दिशा में जाता है, तो देश में खुशहाली होती है, संकटों का नाश होता है, अच्छी वर्षा होती है, किसानों को विशेष करके लाभ, धान्य रोपण के पश्चात अच्छा धान पैदा होता है और किसानों को विशेष फायदा होता है। उसके पश्चात अगर यही डांडा जलकर दक्षिण दिशा में गिरता है तो महामारी फैलती है, रोग बढ़ते हैं, वो रोग इंसान में, पशु पक्षी, समस्त जीव चराचर में व्याप्त होता है। अगर यही डांडा गिरता है अगर पश्चिम दिशा में तो देश में धर्म की स्थापना होती है, धर्म बढ़ता है, नए नए मंदिरों का निर्माण होता है और सारे विश्व में सुख संपत्ति, शांति, निरोगी काया का वातावरण बनता है और घर घर में प्रेम का वातावरण बना रहता है। और यही डांडा अगर उत्तर दिशा में गिरता है तो देश पर शत्रुओं का हमला करने का डर होता है, विशेष आपदा, आगजनी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ऐसे प्रकार के दुख आकर प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अगर इसका धुआं ईशान कोण में जाता है तो धर्म बढ़ता है, धार्मिक पुरुषों की आशीर्वाद नगरवासियों को, देशवासियों को प्राप्त होते हैं। और अग्नि कोण में अगर यह धुआं जाता है तो अग्नि कोण, जैसे कि अग्नि, तो ये गर्मी को विशेष बढ़ाती है और शरीर में एक गर्म वातावरण महसूस होता है, अर्थात बुखार की संभावना बढ़ती है। और नेत्र कोण में अगर ये धुआं जाता है तो पशु पक्षी, मनुष्य सब में नेत्र पीड़ा बढ़ती है। और वायु कोण में अगर ये धुआं जाता है तो सुख संपत्ति, निरोगी काया, विद्या, विनय, ये सब आदि वस्तुएं, सरस्वती की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा, माता गायत्री की कृपा बनती है। ये इस प्रकार के होली का दहन के पश्चात उसके डांडे को गिरने की दिशा और उसके धुएं की दिशा के बारे में मैंने आपको बताया है। अतः आप इसका होली का दहन के समय प्रतीक्षण करें और फिर उसके बाद में होने वाले उसके प्रभाव को अपनी डायरी में नोट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।